तो लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया था हाउ टू बी अ रिएक्शन चैनल एंड हाउ टू बी लाइक भुवन बा। उन एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आज हम लेकर आया हाउ टू मेक अ परफेक्ट इंडियन रियलिटी शो, एक ऐसा शो जो टीआरपी को फोड़ देगा। हाँ, टीआरपी एक रियलिटी शो के लिए, इसके अलावा किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आजकल अगर आपको एक रियलिटी शो बनाना है तो सोच लो आप एक पिक्चर ही बना रहे हो। जैसे एक सिंगिंग शो में आपको मिलेगी थोड़ी सी सिंगिंग और बहुत सारी कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस, साइंस फिक्शन, पीरियड ड्रामा, कमिंग ऑफ द एज। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स के लिए काफी अलग, डिफरेंट और यूनिक रियलिटी शोज है। डांस प्लस, सुपर डांसर, डांस इंडिया डांस, डांस इंडिया डांस, लिटिल चैंप, डांस इंडिया डांस, सुपर मॉम्स, डांस इंडिया डांस, डबल्स, नचबल और सबसे यूनिक झलक दिखला जा डांसिंग विद द स्टार्स। अब एक रियलिटी शो के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जजेस। हमारे पास दो ऑलवेज अवेलेबल वेले जजेस हैं, करण जौहर और फराह खान। इन्हें हर शो में डाल दो, चाहे इन्हें सिंगिंग डांसिंग आती हो या ना हो, ये आपको जज जरूर कर लेंगे। इनफैक्ट कुकिंग शो में भी आजकल यही है। इमेजिन करो आप नेक्स्ट विराट कोहली हो, आप जाते हो सिलेक्शन के लिए और वहाँ आपको सामने दिखता है KRK, जिसे बैट पकड़ना तक नहीं आता पर वो आपको ऐसे कमेंट्स देता है, बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप एंजॉय कर सके, टोटली वाहियात है, आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती क्योंकि। तो आपको कैसा लगेगा? यस, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फील करवाना है अपने कंटेस्टेंट्स को। ये था स्टेप वन। अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप एक डांस शो में एक ऑथर को ले लीजिए जो खुद ऐसा परफॉर्मेंस देने के बाद सबको कुछ ऐसे जजमेंट्स देगा। I'm sorry, it didn't work for me. मेरे मोटिव्स को सस्पेक्ट ना ही करें तो बेटर है। और अगर आपके शो में फिर भी टीआरपी नहीं आ रही तो अपनी राखी तो है ही। सच्चाई क्या है? नहीं, वो इंसान गलत और पेड ऑडियंस जो तालियां बजाए या ना बजाए आपको अपना ताले वाला ट्रैक चलाते रहना है। और अगर एक भी बंदा गलती से स्माइल भी कर दे तो ऐसा लाफ ट्रैक चलाना जैसे 100-200 लोग जोर जोर से हंस रहे। जोक भी हम ही मारेंगे और हंसेंगे भी हम ही, क्योंकि हमें व्यूअर्स को बताना पड़ता है कि हंसना कहाँ है, क्योंकि उन्हें जोक समझ ही नहीं आता या फिर शायद हमारे जोक से कुछ ऐसे होते हैं। वेलकम। एक घटिया जोक। इसके बाद आपको चाहिए एक होस्ट, बेसिकली एक वॉनबी कॉमेडियन जो दूसरों के लिखे हुए जोक्स पढ़ने में अच्छा है। हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस रियलिटी शो, वेट फॉर लाफ्टर। अबे वो नहीं बोलना था। ये सब सेट होने के बाद हम सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, कंटेस्टेंट्स, जिनके लिए हम रखेंगे सिर्फ नाम के ऑडिशन। हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुरीलो के सुरीले ऑडिशंस में। यहाँ बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत से लोग आए हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं ये लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये साउंड इफेक्ट किसने डाला है? साउंड क्या करूँगी मैं? मैम, क्या आप ऑडिशन देने आए? हाँ, लेकिन हाँ, ये लीजिए आपकी स्क्रिप्ट, आपको बस बोलना है, सबकी तारीफ करनी है बेसिकली। I'm really excited today. The judge is my favorite dancer. यार ये सिंगिंग शो है ना, कैमरा मैन भी मेरा फेवरेट ही है और ये शो थैंक यू। आइए, तो आप गाती हैं? अच्छा वैसे आप ये बताइए कि आप यहाँ आई कैसे? मैं कैब से आई। आउट आउट, यू आर नॉट सिलेक्टेड, नेक्स्ट। लास्ट टाइम मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, बट दिस टाइम मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पता था दैट इट्स टाइम टू चेंज माय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑटो 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 भैया। सिर्फ सिंगिंग काफी नहीं थी, आई नीडेड मोर। अगर इस बार मैं सिलेक्ट नहीं हुई ना तो मुझे घर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। हेलो सर। ओ हाय, आप लास्ट ईयर भी आई थी ना? हाँ मैं। तो इस बार आप कैसे आई? सर इस बार मैं आई ऑटो से और ऑटो का भाड़ा भी नहीं दे पाई। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगा, फील कैसे आएगी? कौन सा वाला सर? वही अपना। आप सिलेक्टेड है, गाना वाना छोड़ो, आप सिलेक्टेड है, आई सी यू इन द फाइनल। जाइए यार, आप जाओ।
एक बार आपने कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर शुरू होगा आपका रियल स्क्रिप्टेड रियलिटी शो। आपका परफेक्ट रियलिटी शो बनने वाला है, बस आपको चाहिए कुछ 100 चम्मच इमोशन। मतलब छोटी छोटी बातों पे अपना वही एक गाना चला दो, हर छोटी चीज को वो इमोशन से भर देगा। और एलिमिनेशन के टाइम पे आपको नाम अनाउंस करने में लगाना है कुछ कुल मिला के 55 मिनट, ताकि ब्रेक में हम बहुत सारे एड्स घुसा सके और आप सारे बैठ के देखो। मेरे साथ बचे हैं 2 कंटेस्टेंट्स, इनमें से कोई एक आज एलिमिनेट होगा। कौन होगा एलिमिनेट? एलिमिनेट कौन होगा? इनमें से कौन बचेगा? कौन जीतेगा ये फाइनल? कौन होगा एलिमिनेट? एलिमिनेट कौन होगा? कौन होगा एलिमिनेट? कौन जीतेगा ये फाइनल? एलिमिनेट कौन होगा? ये हम पता लगाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, बने रहिए, हम वापस आके आपको जरूर रिजल्ट बताएंगे। 2000 years later। तो स्वागत है दोस्तों आपका, इस वीक एलिमिनेट हो रहे हैं। अभ्युदय और अभ्युदय, आपका सफर यहीं खत्म होता है। मैं जीत गई गाइस, आई मीन आई एम द नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक मिनट, शो कौन जीतेगा? हमारे पास एक ही कंटेस्टेंट बचा है, इसमें से विनर कौन होगा ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद, बने रहिए। टाइम अगर आपको अभी भी टीआरपी नहीं आ रही है या आप और भी टीआरपी के भूखे हैं, तो हमारे पास है आपके लिए बोनस शॉर्ट शॉर्ट काम करने वाले टिप्स। लव फाइट्स, प्यार झगड़े तो नेचुरली होते रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम टीआरपी, तो हम इसमें भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि रियलिटी शो में कुछ भी रियल ना ही हो तो अच्छा। और हाँ, अगर आप एक रियलिटी शो देखते हो तो अपने 10 रुपए के रिचार्ज में से 4 रुपए का वोट जरूर करना। वो वोट कंसीडर होगा कि नहीं वो हमारे ऊपर है, पर आप वोट जरूर करना। So that's it for today guys. वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में ये भी बताओ कि आपको और किन चीजों की ट्यूटोरियल चाहिए। अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। We'll see you guys in the next one.